एंड वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले वापस से लीविल वर्ल्ड में, थोड़ा सा इलीगल और थोड़ा सा अच्छा काम करने के लिए, मतलब वो इलीगल भी है लीगल भी है, अभी बताता हूँ आगे जाके। तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 100K लाइक का गोल है, जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और चलो चलते हैं और बताता हूँ तुम लोगों को कि हम लोग क्या करने वाले हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं लीविल में, और मुझे पता है तुम लोग मेरा भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं एक बारी। पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, अभी रात के 1:39 हो रहे हैं, ठीक है, रात के 1:39 हो रहे हैं। और मुझे बस तुम लोगों को ये चीज इसलिए बतानी थी, मैं अभी इसलिए आया हूं क्योंकि लीविल में कोई भी नहीं है, समझ लो, ना जैक है, ना देव है, ना रॉनी है, ना कैसल है, ना चाचा जी है, अभी कोई भी नहीं है इस सर्वर में। इसी टाइम का मेरे को सबसे सही यूज करना पड़ेगा। ओ भाई साहब बारिश भी हो गई भाई, इसी टाइम को हम लोगों को सबसे बढ़िया यूज करना पड़ेगा, वो कैसे मैं बताता हूँ। तो लास्ट स्ट्रीम पे क्या हुआ ना गाइस, हम लोग स्ट्रीम कर रहे थे नॉर्मली, और उसके बाद हम लोगों को दो विलेजर्स जो थे, जो बेसिकली इलीगल विलेजर्स थे पहले, बट जैक ने एक रूल बनाया कि अब लीगल हो जाएंगे विलेजर्स, बट सिर्फ और सिर्फ वो दो विलेजर्स, तो उनकी बोली लगी। एंड मैंने अपना आर्मर सब कुछ दे दिया जो कि प्रॉपर नेदरराइट का सब कुछ था, अभी मेरे पास लेजिट कुछ भी नहीं है, और एक फालतू का आर्मर मेरे पास पड़ा हुआ है। पर वो आर्मर पूरा का पूरा देने के बाद मेरे को वो दोनों के दोनों विलेजर्स मिल गए, और अब हम लोग उन विलेजर्स से इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि इस पूरे लीविल में भाई तुम्हारे भाई का ही जोर चलेगा सिर्फ और सिर्फ। और अगले इलेक्शन में हम लोग गारंटीड लीडर बनेंगे, कुछ भी बोल लो तुम लोग, ठीक है। जो मैंने सोचा हुआ है वो ये है कि हम लोग एक ब्लैक मार्केट बनाएंगे। कहने का मतलब है कि देखो, बुक्स ये सब चीज़ें हम लोग देंगे लोगों को, लेकिन अगर वो लोग ट्रेड कर सकते होते तो भाई वो लोग एमराल्ड में ले सकते थे, राइट। लेकिन हम लोग जैसे मेंडिंग है ये सब है, इसको एक या दो डायमंड में बेच सकते, क्योंकि कोई भी मेंडिंग वेंडिंग ला ही नहीं सकता, नॉर्मल बुक नहीं है वो, समझ रहे हो। तो हम उसको डायमंड्स में बेच सकते हैं, पर उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक सिक्योर जगह बनानी पड़ेगी। आई थिंक ये जैक के डॉगीज है ना, हाँ। तो भाई हम लोगों को ना उसके लिए एक सिक्योर जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पर हम लोग उनको छुपा के रख सकें, और कोई भी उनसे आके ट्रेड करके सामान चुपचाप चोरी करके ना ले जा ले, ठीक है। और मुझे गारंटीड पता है कि भाई हमारा पहला बंदा कौन होने वाला है जो हम लोगों को ऑर्डर देगा, भाई वो या तो फिर जैक होगा और या तो फिर रॉनी होगा, मेरे को पक्का भरोसा है भाई इन दोनों पे। ये दोनों में से एक ना एक जना गारंटीड आएगा भाई हम लोगों को ऑर्डर देने के लिए, और उसी का हम लोगों को फायदा उठाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर किसी के पास भी पूरे के पूरे सर्वर में विलेजर्स नहीं है, ट्रेड नहीं कर सकते, तो हमें इन सब चीज़ों का थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा हुआ है कि हम लोग आज एक प्रॉपर विलेजर ट्रेडिंग ब्लैक मार्केट बनाने वाले हैं, ठीक है, लीविल सर्वर के अंदर। मुझे पता है तुम से बहुत सारे लोग भाई स्ट्रीम्स मिस कर देते हो, इस संडे भी होने वाली है शाम के 6 बजे स्ट्रीम, तो टाइम से आ जाना, ठीक है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा सही में। एक मिनट, ये मैंने बंद कर दिया था क्या? हाँ, ये नहीं नहीं ओके, मैं गलत चाहिए भाई, शाम के 6 बजे स्ट्रीम होने वाली है संडे को भी, तो टाइम से आ जाना इस बार, ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने 1,00,000 वॉचिंग तोड़ी थी, मतलब ऐसा दिखने का नहीं लगा, बट आगे जाके बताऊंगा तुम लोगों को हम लोगों ने कैसे 1,00,000 वॉचिंग तोड़ी थी। तो हम लोगों को देखो क्या करना है, ये तो हम लोगों का पूरा एरिया है जहाँ पर हम लोग अपनी पीवीपी के लिए रेडी होते हैं जब भी रेडी होते हैं, बट अब हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक एरिया जहाँ पर हम अपने सारे विलेजर्स को रख सकें और ब्लैक मार्केट कर सकें उन सब चीज़ों की, ठीक है। तो हम लोगों को उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो मैंने जो सोचा हुआ है ना, देखो, विलेजर्स को लाने से पहले हम लोग वो एरिया बनाएंगे, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, विलेजर्स बहुत ज़्यादा दूर से लाने, जिसमें मैं दिमाग लगा रहा हूँ, कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग ऐसे ला सकते हैं, वो तो खैर देखेंगे अगर वो सक्सेसफुल होता भी है प्लान या नहीं होता है, वो तो देखने वाली बात होगी, बट फिर भी मतलब लेट्स सी। तो देखो हम लोग यहाँ से निकले, राइट, हम लोग ऐसे चलते हुए आए थे अपने सीक्रेट बेस से, है ना, हम लोग ऐसे चलते हुए आए थे। अब इस साइड को हमारा ये पॉन्ड है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ ये पॉन्ड का ही इतना सारा खेल क्यों है, ठीक है। तो हम लोगों को एग्जैक्टली ना इसका यूज करना है, पॉन्ड का, समझ रहे हो। तो हम लोग अपना जो बेस है, जो ब्लैक मार्केट होने वाली है ना, वो इस पॉन्ड के नीचे ही बनानी है। उसके अंदर आने का रास्ता एक और अलग बनाऊंगा मैं, सीधी सी बात है, विलेजर्स को हम लोग यहाँ से ला सकते हैं, वो डूब के मर जाएंगे। तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है, वो मैं तुम लोगों को आगे जाके बताता हूँ, बट अभी के लिए हम लोगों को वो एरिया बनाना है इस जगह पर। रुको, F3 करके एक बार देख लेते हैं हम लोगों का एरिया किस जगह पे बन रहा है। हम लोगों का एरिया बनेगा एग्जैक्टली सेंटर, उसका लेंगे हम लोग 1242 -142, ठीक है, 1242 -142 का हम लोग सेंटर लेंगे, और उस एरिया के अराउंड हम लोग अपना पूरा का पूरा ब्लैक मार्केट बनाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले नीचे जाते हैं और थोड़ी सी खुदाई शुरू करते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले उसके सेंटर पे जाना पड़ेगा, और सेंटर सैडली यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मजाक भी नहीं करूंगा भाई, सेंटर की एक दिक्कत हो चुकी है। रुको जरा, चलो हम लोग एक चीज करते हैं, सबसे पहले हम अपनी जेब से इतना कूड़ा भर रखा है ना मैंने अपनी जेब में, इतना कूड़ा कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। ये सारा स्टोन निकाल लेते हैं हम, अभी स्टोन की क्या जरूरत।